इफ़ यू आर अ टिपिकल इंडियन पर्सन जस्ट लाइक मी, कोई भी गाड़ी आपके सामने खड़ी करो, चाहे वो बेनेली हो या BMW हो या कोई कार हो, पोर्शे हो, एक सवाल तो मन में आता ही है, एंड दैट क्वेश्चन इज कितना देती है। वेल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, कितना देती है ये पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हो। अगर ऐसा है तो मैं भी कंजूस हूँ, बिकॉज ये सवाल मैं भी पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, इस बाइक के बारे में भी पूछ रहा हूँ। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल, बिकॉज फॉर समवन लाइक मी, जब भी मैं लॉन्ग राइड्स प्लान करता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल प्लान करता हूँ, तो मुझे ओवरऑल बजटिंग करने के टाइम पे फ्यूल एक्सपेंस कितना आएगा ये पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद टैंक रेंज कितना है, मैं हर एक दिन में कितना ट्रैवल कर सकता हूँ, उसके बीच में कितने डिस्टेंस पे मुझे फ्यूल अप कराना पड़ेगा, देन एट दैट पर्टिकुलर रेंज में कौन सी जगह पे रहूँगा, वहाँ पे फ्यूल पम्प मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें प्री प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। सो इट्स नॉट जस्ट दैट आप पैसे बचाने की सोच रहे हो या आप कंजूस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो वॉट फ्यूल इकोनॉमी एग्जैक्टली योर व्हीकल गिव्स। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो प्रैक्टिकली ये सवाल पूछते हैं कि भाई कितना देती है, देन स्टिक अराउंड टिल द एंड, बिकॉज यू विल गेट ऑल योर आंसर्स एटलीस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर बाइक बेनेली TRK 502 राइट आफ्टर दिस इंट्रो वीडियो। This is Kundan from countingkilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, this is only the fifth day of ownership of this particular bike, Benelli TRK 502, but in 5 days I've already done more than 200 kilometers, and today I've set out to do my first long ride on this bike, which is Karjat to Solapur. Of course ride nahi hai, route naya nahi hai, hamesha karta hu, isse pehle aap channel pe dekh bhi chuke ho. So I decided to make it something different this time. I'm not going to make a लॉन्ग डिस्टेंस राइड ब्लॉग और फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस राइड ब्लॉग, वो बनाऊंगा बाद में बनाऊंगा, एक्सपीरियंस क्या है अराउंड 1500 किलोमीटर चलाने के बाद ये बाइक कैसी लग रही है वो बाद में बताऊंगा, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। जो सवाल किसी भी नया व्हीकल देखने के बाद आपके दिमाग में आते हैं, मेरे भी दिमाग में जो आए थे, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगा, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, टॉप स्पीड क्या रहेगा, देन माइलेज क्या रहेगा, ये सब जो छोटे छोटे सवाल हैं इनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस जर्नी इन नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉग्स। फर्स्ट ऑफ दोज ब्लॉग्स इज दिस वन, वेयर विल बी टेस्टिंग द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ दिस बाइक इन वेरियस डिफरेंट टेरेन्स लाइक हाईवे, घाट्स, सिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट ऑन द बाइक। ओके, सो इस बाइक पे पहली राइड के लिए निकले हैं, तो सबसे पहला ब्लॉग बनेगा कितना देती है। तो इट्स नॉट जस्ट दैट एक ही कंडीशन में हम टेस्ट करेंगे, वी विल एवरेज आउट। अभी करजत सिटी में जाएंगे तो पहले फ्यूल अप करेंगे, टैंक फुल करेंगे, दैट इज द मेथड दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, फुल टैंक टू फुल टैंक। सो हाईवे, घाट्स और सिटी, तीनों जगह पे ये बाइक कितना एवरेज देती है आपको इस वीडियो में एकदम परफेक्ट पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, देन यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट बेनेली TRK 502 का खाना, कितनी भूख लगती है उस बाइक को मिलते पेट्रोल पंप पे। अरे आजकल का रोज का नाटक हो गया है, करजत के मेन जंक्शन पे हर दिन जब देखो ट्रैफिक लगा रहता है, आधा किलोमीटर आगे ही पेट्रोल पंप है। फिल कराइए बता, तो भाई पट्टी है ना बरोबर, त्या पट्टी पर्यंत गे। ये इससे पहले भी एक फ्यूल अप किया था लेकिन पहला डाव भूता था। अभी जो फ्यूल अप किया 8.78 लीटर्स, टोटल कॉस्ट था 780.8। अभी अपना ऑडोमीटर है 1697। यहाँ से आगे टेस्ट चालू करेंगे। वैसे आज अपना राइड चल रहा है अलॉन्ग साइड राइडेगल विशाखा, नॉट सो टू लॉन्ग, करजत से चौक तक नेशनल हाईवे तक ही साथ में है, फिर शील गो टूवर्ड्स हर नेक्स्ट डेस्टिनेशन और हम चलेंगे टूवर्ड्स अपनी डेस्टिनेशन। चलो फिर कब मिलेंगे? हाँ, मैं लेफ्ट।
एंजॉय दुबई। हाँ रख लेंगे, चलो एंजॉय दुबई, आराम से जाना, पहुँचिए तो मैसेज करना, ठीक है ना। चलो अभी वो गए राइट, हम चले लेफ्ट, अपने काम पे लगते हैं। माइलेज टेस्ट कंटिन्यूज, वो तो वैसे भी चालू ही है। अबे नो एंट्री है, कई तक है, शाबाश। रूल्स भी शिकायत घेरा ना मैं लोग करना। वेल एनीवेज दिस इज खोपेली, अभी ये टाउन क्रॉस करने के तुरंत बाद खंडाला घाट चालू हो जाएगा। एंड यस वी हैव टू असेंड द घाट रोड, सो टिपिकल घाट रोड्स पे घाट सेक्शंस में कितना फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है ये अपने को पता चल जाएगा इसमें। खंडाला घाट चालू हो चुका है, वेड़े वाकड़े बड़े क्या दिखा है, वो देख के डर जाएगा कोई। बाय द वे आपका अगर ध्यान इस तरफ है तो देखो, आई मीन फिफ्थ गियर। बाकी कोई भी रिव्यूज कुछ भी बोले यार, लो एंड टॉर्क के बारे में इसका कंपैरिजन आई मीन अभी तक नहीं दिखा है मुझे। डोंट कंपेयर दिस विथ माई क्लासिक 350 एंड ऑल दैट, उनका लो एंड टॉर्क है बिकॉज वो लो आरपीएम बाइक्स है, उनको आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, दे आर टोटली इन अ डिफरेंट लीग, मतलब दिस इज इन अ डिफरेंट लीग, वो इसको मैच नहीं करेंगे। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। टर्न लेने के लिए इतना स्लो हो जाती है बाइक, बट स्टिल गियर नहीं चेंज करना पड़ रहा है, उसी गियर में जस्ट थ्रोटल पुश करो, निकल गई। खंडाला घाट ऑलमोस्ट खत्म, दिस इज द खंडाला सनसेट पॉइंट, जहाँ से आज तक मैंने एक भी सनसेट नहीं देखा है। और ये है राजमाची व्यू पॉइंट, कुनेगा वाटरफॉल, ये मानसून में बहुत सही दिखता है। अगर इसके व्यूज आपको देख रहे हैं ना, तो हमारा कोराईगढ़ वाला कोरीगढ़ ट्रैक वाला वीडियो देखो, द लिंक इज हियर इन द डिस्क्रिप्शन, आई डोंट नो ये कोने में या ये कोने में, किसी तो कोने में आएगी लिंक, देखो वो वाला ब्लॉग, बहुत सही मानसून व्यूज होता है इसके। काय नसीब है आपला, अभी आगे ढूंढना पड़ेगा, आगे पेट्रोल पंप किधर है। इतनी बार इस रूट से ट्रैवल करता हूँ, लेकिन आज तो मैंने ये बात रियलाइज नहीं की थी कि लोनावला से कामशेप के बीच ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स में एक भी फ्यूल पंप नहीं है। फाइनली कामशेप से भी ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर आगे ऑलमोस्ट तड़ेगा पहुँच गए, और ये पहला पंप मिला है। अब देखा जाएगा कि हाईवे प्लस घाट सेक्शन पे अपनी बेनेली ने कितना दिया। वही पट्टी है ना, तिथपर्यंत असतात, जास्त नाही जाणार, बस 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 थोडा ज्यादा ही हो गया, लेकिन ठीक है, ऑलमोस्ट अपने को अंदाजा आ जाएगा इससे कितना आया है। 230, 2.58, ठीक है। अभी पेट्रोल आया 2.58 लीटर्स, टोटल 230 पॉइंट समथिंग हुआ था, तो 230 ही लगभग रखते हैं। थोड़ा सा पहले वाले फ्यूल से ज़्यादा था, मे बी 2-3 पॉइंट। अभी कितना है, 1758 ओडोमीटर। तो यहाँ से हम करेंगे नेशनल हाईवे को बाय बाय, ये गया पूना बाईपास टूवर्ड्स सतारा कोल्हापुर बेंगलोर, और हम चले पूना सिटी में। अनफॉर्चुनेटली टूवर्ड्स सोलापुर जाने के लिए कोई बाईपास नहीं है, पूरी सिटी क्रॉस करनी ही पड़ती है, बट आज वही ट्रैफिक अपने लिए अच्छी बात बन गया है, क्योंकि अपने को वही तो टेस्ट करना है कि सिटी में कितना देती है, देखेंगे। अभी ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर तक अपने को ट्रैफिक में ड्राइव करना है। पुणे में जितना ट्रैफिक रहता है ना, उससे ज़्यादा तो स्पीड ब्रेकर्स की वजह से स्लो होना पड़ता है। चार सिग्नल गए, चार, हर सिग्नल रेड, अरे झाला झाला ग्रीन झाला, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। पूना सिटी के ट्रैफिक में अटक गए तो अटक गए यार, कितना टाइम गया, 5 बज गए। अगर आपने नोटिस किया है तो इतनी देर में अपने विंडशील्ड पे गोप्रो का माउंट आ गया है। पुणे में ऑन द वे ही एक शॉप है, तो वहाँ से ले लिया। आज के ब्लॉग का फोकस वहाँ नहीं है, यहाँ है। फाइनली पूरा सिटी क्रॉस करके हम पहुँच गए हैं हड़पसर,
Alright, it's time for the final test results. पहुंच गए हम लोनी कालभोर में 1860 टंग ट्विस्ट हो गया मेरा फुल कर रास्ता नहीं बसना रहा कि पट्टी पर्यंत गया अभी एग्जैक्टली उतना ही पेट्रोल आया जितना पहली बार भराया था सॉरी सेकेंड टाइम भराया था थोड़ा सा ज़्यादा विजुअल रीडिंग आएगा ना वो एकदम एक्यूरेट होगा सो पूरे पुणे सिटी से गुजरने के बाद पेट्रोल बैठा 2.25 लीटर्स प्राइस था 88.63 ओडोमीटर इज 1816 एनीवेज अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने को है तो लेट्स डू वन थिंग कहीं पे रुकते हैं चाय पीने के लिए और चाय पीते पीते इस बारे में फाइनल रिजल्ट क्या है कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का वो देखेंगे ठीक है चलो बाय वेल आई नो आई सेड कि कहीं चाय पीने रुकते हैं और बात करते हैं लेकिन उसके बाद और एक दिमाग में थॉट आया कि आगे के 300 किलोमीटर टोटल फोर लेन हाईवे है तो क्यों ना फोर लेन हाईवे पे एक्चुअल 110 के रेंज में कंप्लीट डिस्टेंस क्रूजिंग करते वक्त कितना माइलेज मिल रहा है ये भी टेस्ट किया जाए सो आई गॉट 3 डिफरेंट रीडिंग्स मतलब जो पहला घाट वाला दूसरा सिटी वाला और तीसरा कंप्लीट हाईवे क्रूजिंग वाला सो दैट इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड कि कौन से सिचुएशंस में कैसी परफॉर्म कर रही है भाई सो व्हाट आई डिड इज आई रोड फॉर दोस 300 किलोमीटर्स और रात को यहाँ पहुंचने से पहले फ्यूल अप कराया एंड दीज आर द रिजल्ट्स दैट आई हैव गॉट सबसे पहला कर्जत से तड़ेगांव तक मतलब खंडाला घाट सेक्शन क्रॉस करने के टाइम पे जो माइलेज मिला था दैट इज द फर्स्ट रीडिंग देन सेकेंड सबसे ज्यादा माइलेज मिला जब पुणे सिटी का ट्रैफिक क्रॉस कर रहे थे तो सिटी में ड्राइव करते वक्त सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिली अपने को और उसके बाद फिर लोनी कालभोर से मतलब हड़पसर के बाद जहां से फोर लेन हाईवे शुरू होता है एक्चुअली ट्रैफिक खत्म हो जाता है वहां से सोलापुर क्रॉस करके 50 किलोमीटर आगे नलदुर्ग तक दैट इज द लॉन्गेस्ट रेस दैट आई डिड यस्टरडे और उसमें अपने को माइलेज मिला है इन एक्सेस ऑफ 24 इनफैक्ट ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर पर लीटर सो ऑल इन ऑल यू कैन से सिटी में 25 हाईवे पे भी 24 टू 25 घाट सेक्शंस में भी इन एक्सेस ऑफ 23 सो 23 से 25 के रेंज में कंसिस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है एंड फॉर अ 500 सीसी ट्विन सिलेंडर दिस इज स्टेलर यस एब्सोल्युटली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट जब मैंने डोमिनार से इस बाइक पे अपग्रेड किया डोमिनार मुझे हाईवे पे जब मैं 90-100 के रेंज में बाइक चलाता था तो अराउंड 28 किलोमीटर पर लीटर इकोनॉमी देती थी एंड व्हेन आई यूज्ड टू राइड एट अराउंड 110 तो वो ड्रॉप हो जाती थी 25-26 के रेंज में नाउ विद एन अपग्रेड ऑफ 13 BHP ऑफ पावर और 100 cc क्यूबिक कैपेसिटी एंड ट्विन सिलेंडर इंजन ये सब अपग्रेड करने के बाद एंड विद दिस काइंड ऑफ लुक्स एंड बीफी मशीन इफ आई एम गेटिंग 24 किलोमीटर अ लीटर आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट वेल आई होप यू गॉट समथिंग यूजफुल एंड समथिंग इन्फॉर्मेशनल आउट ऑफ दिस वीडियो आई विल बी मेकिंग मेनी मोर सच वीडियोज अबाउट दिस बाइक बेनेलिटी RK502 इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस डिटेल्स देन मेक श्योर यू हिट द सब्सक्रिप्शन बटन एंड नोटिफिकेशन बिल ऑल्सो सो दैट यूल बी नोटिफाइड About all our new videos. You can also join our Telegram channel, Counting Kilometers. You can follow us on Facebook and Instagram. So, in short, what I want to say is stay tuned, stay connected, and stay happy. Keep counting kilometers.